हे वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी बार एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। सो इन्हीं को हम देखते हुए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं जो आपसे शेयर करेंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम्स है एसएससी सीजीएल है सीपीयू है तो इसमें पूछे जा सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि उससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द गैस यूज टू डिल्यूट ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग बाय डीप सी ड्राइवर्स इज, यानी कि जो गहरे समुद्र में गोताखोर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन को पूर्ण करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट फ्यूल इन टर्म ऑफ एनर्जी रिलीज पर ग्राम ऑफ फ्यूल, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ईंधन के प्रति ग्राम ऊर्जा के मामले में इनमें से कौन सा सबसे अच्छा ईंधन है, तो वो है हाइड्रोजन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड, यानी कि वह कौन सा धातु है जिसका कंपाउंड जो प्राकृतिक में पाया जाता है, तो ये खनिज पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, यानी कि विनेगर का जो रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल नाम है। ठीक है, एसिटिक एसिड। ओके, यानी कि एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जिप्सम CaSO4 2H2O इज एडेड टू क्लीनर ड्यूरिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग टू, यानी कि सीमेंट के निर्माण में ये जो जिप्सम है ये क्लीनर में क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि डिक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, यानी कि सीमेंट की आद्रदन या फिर हिंदी में कह सकते हैं इसको कि सीमेंट की जो दर कम करने के लिए इसे मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज ग्रेफाइट, यानी कि कार्बन का वह रूप जिसमें ग्रेफाइट कहते हैं, तो इज़ अ बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर दैट देन डायमंड। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द यूज़ इन रैट किलिंग मेडिसिन, यानी कि इनमें से कौन सा जो है कि चूहा को मारने के लिए दवाई का प्रयोग किया जाता है, चूहा को मारने के लिए कौन सा दवाई प्रयोग किया जाता है, तो वाइट फास्फोरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाइट फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स, यानी कि नेल पॉलिश जो होता है उसमें रिमूवर जो होता है उसमें क्या रहता है, तो उसमें रहता है एसीटोन। उसमें कौन सा रहता है, एसीटोन रहता है। ठीक है, रिमूवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसी ड्रेन इज कॉज ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमोसफेयर बाय, यानी कि अम्ल बारिश जो होती है वातावरण में प्रदूषण के कारण होती है, तो इसमें कौन कौन सा मतलब पाया जाता है, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, इसका ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज, यानी कि सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है, वो नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन, यानी कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिटर्जेंट के घोल की प्रकृति का क्या है, यानी कि किससे बनाता है, तो एल्काइन से बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अर्सेनिक इन वाटर, यानी कि इनमें से कौन से बीमारी पानी में अधिक मात्रा में अर्सेनिक होने के कारण होती है, तो चर्म रोग यानी कि स्किन कैंसर होती है इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ मॉडेंट इन डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट को यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टू चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट प्रिटेनिंग टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो गलत स्टेटमेंट है,
तो ऑप्शन नंबर सी जो है दे आर नॉट ईजली कम्बस्टिबल, यानी कि वे सहज ज्वलनशील नहीं होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच मेटल इज द हैवीएस्ट इन पीरियोडिक टेबल अमंग द फॉलोइंग, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो कौन सी धातु सबसे भारी होती है, तो ओ एस, ए नंबर ओ एस, ओ एस इज अ हैवीएस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय एडिशनल ऑफ, यानी कि जल में क्या मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त हो जाती है, तो सोडियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है ताकि उसका जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म ब्राउन एयर इज़ यूज्ड फॉर, यानी कि ब्राउन एयर जो है शब्द के लिए डैश का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, तो फोटोकेमिकल स्मोक के प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है फोटोकेमिकल स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो फ्लोरीन, ए नंबर फ्लोरीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर लैम्प्स ग्लो विद येलो कलर, दिस इज ड्यू टू, यानी कि सोडियम जो है लैम्प में पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, द इमिशन ऑफ एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सोडियम एटम्स इन द येलो रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज, यानी कि निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है, तो वो है फुरोन, ये एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड और रिंग स्ट्रक्चर है, इज अ साइक्लिक कंपाउंड दैट हैज एटम ऑफ एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ इट्स रिंग, ठीक है। तो दैट इज द राइट आंसर बी नंबर फुरोन। सो दोस्तों यही था क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में बार बार पूछे जा, केमिस्ट्री के जो जीके नॉलेज है जनरल में काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज, और जो बगल में जो घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।